फिर हम देखेंगे रीजंस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के ऐसे कौन-कौन से रीजंस हैं ओके इन सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल ईटीएफ ईटीएफ क्या होता है ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सके एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सके मतलब एक्सचेंज इन द सेंस एनएसई बीएससी ओके बास्केट ऑफ स्टॉक्स दैट रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स ईटीएफ एक ऐसा बास्केट ऑफ स्टॉक है जो रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स के कंपोजिशन को अब ये इंडेक्स क्या है इंडेक्स आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा आपने निफ्टी का नाम सुना होगा आपने निफ्टी फिफ्टी का नाम सुना होगा निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का नाम सुना होगा ओके निफ्टी आईटी होता है निफ्टी फार्मा होता है ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं ओके अब ये इंडेक्स किस पे बेस्ड होते हैं जैसे सेंसेक्स है फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स है सेंसेक्स टॉप थर्टी कंपनीज का एक इंडेक्स है एक कंपोजिशन है टॉप थर्टी कंपनीज का ओके okay? uh, और उसे नाम दिया गया है सेंसेक्स अब ये टॉप थर्टी कंपनीज हैं वो स्पेशली uh, वैल्यूड uh, की जाती हैं एज पर देयर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इन द सेंस उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना उनके प्रॉफिट को देखना उनके सीएजीआर को देखना उनके डाइवर्सिफिकेशन को देखना ओके okay? उनके इनोवेशन को देखना ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है और इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आने का उन्हें मौका मिलता है ओके, okay. सो so, ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है उसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स ठीक इसी तरह निफ्टी है निफ्टी फिफ्टी टॉप फिफ्टी कंपनीज का एक इंडेक्स है इसमें टॉप की फिफ्टी कंपनीज आती हैं, उनके वेटेज के हिसाब से ओके okay. सो so, इसी तरह ईटीएफ क्या है ईटीएफ सिमिलर पैटर्न में बास्केट ऑफ स्टॉक है ओके okay. अब ये सिमिलर पैटर्न बास्केट ऑफ स्टॉक एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी हो सकता है या फिर अलग अलग कैटेगरी का इंडेक्स हो सकता है जैसे कुछ स्टॉक्स एफ uh, के हो सकते हैं उसमें कुछ वेटेज uh, जो है फार्मा uh, के हो सकते हैं कुछ वेटेज आई uh, के हो सकते हैं ओके इस तरह के भी कंपोजिशन आ सकते हैं कुछ वेटेज गोल्ड के हो सकते हैं ओके या फिर स्पेशली uh, गोल्ड की गोल्ड की ईटीएफ हो हम आगे डिस्कस करेंगे ओके okay. पर आ, क्या करती है ईटीएफ क्या है ईटीएफ का जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है नेट एसेट वैल्यू जैसे म्यूचुअल फंड में होता है फंड मैनेजर बिफोर इन्वेस्टिंग वो इवैल्यूएट करता है ओके नेट एसेट वैल्यू को उसी तरह ईटीएफ भी है ईटीएफ का फीचर ये है कि कुछ उसके फीचर्स स्टॉक से भी मिलते हैं और कुछ उसके फीचर्स म्यूचुअल फंड से भी मिलते हैं ओके okay. और कुछ इंडेक्स फंड से मिलते हैं देख लेते हैं हम ईटीएफ uh, का एक सिंपल uh, इस तरह से भी समझ सकते हैं एक एप्पल है जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरह एक एप्पल है उसी तरह एक uh, जो फ्रूट का पूरा प्लेट है ओके okay? इसे हम ईटीएफ कह सकते हैं बास्केट ऑफ स्टॉक है ये बास्केट ऑफ फ्रूट है ये सो ईटीएफ बास्केट ऑफ स्टॉक्स है ओके okay? कंपोजिशन है बहुत सारे स्टॉक्स का इंडेक्स का और ईटीएफ uh, जो है वो इंडेक्स फंड होता है जो कि स्टॉक की तरह लिस्ट किया जाता है जैसे जिस तरह से स्टॉक किसी कंपनी का स्टॉक आता है तो उसका आईपीओ निकलता है फंड एलोकेट होते हैं और उसके बाद फिर उसे बाय और सेल किया जाता है ओके लिस्ट होने के बाद उसी तरह ई के साथ भी होता है ओके बट आर पैसिवली मैनेज ऐसा नहीं है कि अगर इटीएफ उस ई के कम्पोजिशन में जो वेटेज इस पर्टिकुलर सेक्टर में दिया गया है तो वो सडनली वो हटा करके किसी और कंपनी का उसमें ईटीएफ आ गया ओके तो ऐसा नहीं है जिस तरह से स्टॉक स्टॉक का क्या है स्टॉक में एक्टिवली होता है वो उसमें डायरेक्ट रिस्क इन्वॉल्व होता है लेकिन ईटीएफ के, के केस में ऐसा नहीं है ईटीएफ के, के केस में जो कंपोजिशन है एक अगर कंपनीज का कुछ इश्यू हो जाता है तो उसके उसी सेक्टर का अलग दूसरी कंपनी उसे मैनेज कर लेती है इसीलिए इसमें वोलेटैलिटी भी कम होती है म्यूचुअल okay. फंड uh, क्या करता है आउट परफॉर्म जो उसका बेंच मार्क है वो मार्केट मार्केट जो ओवरऑल मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करती है उसका एवरेज लेकर के बेंच मार्क एक्चुअली होता क्या है बेंच मार्क होता है कि हम जब uh, एक सेक्टर uh, का एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज से ऊपर uh, जब कुछ परफॉर्मेंस होती है दैट इज कॉल्ड बेंच परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का भी यही है कि वो एम करता है आउट परफॉर्म करने के लिए

जैसे कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं सिमिलर वे में ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और डेमेट अकाउंट चाहिए ओके okay? सो so, इसीलिए इसके फीचर स्टॉक से मिलते हैं नेक्स्ट वन पैरामीटर्स हम ईटीएफ को सिलेक्ट कैसे करेंगे सबसे पहली कैटेगरी है टोटल एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए ओके okay? ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ओके okay. अः uh, uh, जहां तक मुझे याद है पॉइंट टू फाइव परसेंटेज ट्रैकिंग एरर जिस तरह uh, हम स्टॉक uh, में इन्वेस्ट करते हैं uh, तो रिस्क uh, होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई या कुछ फंडामेंटल इशू हो गए तो वो वो कंपनी के वो कंपनी इतनी वॉलिटाइल हो जाती है बेरिश हो जाती है और हमें लॉस होता है लेकिन इस ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं होता इंडेक्स को इंडेक्स को ये ट्रैक करती है यानी कि उस कंपोजिशन को ट्रैक करती है अगर एक कंपनी कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए अदर सेक्टर्स या फिर अदर कंपनीज उसको बैलेंस करते हैं किसी भी सिचुएशन में आपकी पोजिशन मेंटेन रहती है ओके लिक्विडिटी लिक्विडिटी इन द सेंस जैसे कि अगर आपको uh, किसी भी ईटीएफ को सेलेक्ट करना है ओके okay. uh, किसी भी ईटीएफ को सेलेक्ट करना है तो उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि उस ईटीएफ की लिक्विडिटी कितनी है यानी कि आपने ईटीएफ तो ले लिया लेकिन अगर फ्यूचर में आपको उसको सेल करना हुआ तो ऐसा ना हो कि उसका कोई सेलर नहीं है ईटीएफ के केस में जैसे म्यूचुअल फंड अगर आपने लिया है तो आपने तो ले लिया लेकिन जब रिडीम करना होगा तो वो फंड मैनेजर का इश्यू है उसको तो रिडीम करना ही पड़ेगा वो आपका बर्डन नहीं है लेकिन ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं होता ईटीएफ के केस में अगर आपको बाय करना है तो आपके लिए सेलर चाहिए अगर सेल करना है तो आपके लिए बायर चाहिए ओके सो so, इसी तरह ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के पहले आपको ईटीएफ का लिक्विडिटी जरूर चेक करनी है

ओके लेकिन ईटीएफ के थ्रू हम इन uh, इंडेक्सेस uh, uh, का फायदा उठा सकते हैं उनके मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं तो इसी तरह जिस तरह से निफ्टी फिफ्टी परफॉर्म करेगी उसी तरह निफ्टी बीस यानी कि उसके ईटीएफ भी परफॉर्म करेगी इसीलिए हमें ऐसा ईटीएफ चूज करना होगा जो इंडेक्स को प्रॉपरली ट्रैक करती हो ओके okay? कोई भी डिविएशन ना हो वही एक प्रॉपर सिलेक्शन होता है ईटीएफ का लिक्विडिटी जिसमें लिक्विडिटी अच्छे से मेंटेन हो यानी कि बायर uh, बायर नहीं है या फिर सेलर नहीं है ऐसी कोई झंझट ना हो ईटीएफ के स्कीम्स कौन कौन से हैं कैटेगरी कौन कौन सी है सबसे पहली कैटेगरी है इंडेक्स ईटीएफ इंडेक्स इटीएफ जैसे अभी हमने कहा सेंसेक्स है निफ्टी फिफ्टी है ओके गोल्ड ईटीएफ गोल्ड बीस होता है जैसे उसमें गोल्ड की जितनी भी कंपनीज uh, है उनकी वेटेज कंपोजिशन के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ है बैंक ईटीएफ है बैंक ईटीएफ ऐसा इंडेक्स है ऐसा ईटीएफ है जो uh, अलग अलग बैंक के कंपोजिशन को प्रोवाइड करता है ओके इंटरनेशनल इटीएफ बहुत अच्छा ई uh, टी होता है जो जिसको फॉरिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना हो बाहर uh, uh, मतलब फॉरिन कंपनीज की जो वोलेटैलिटी है उसका फायदा उठाना हो तो ये इंटरनेशनल

आपको ये नहीं देखना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं आपको ये नहीं देखना है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं क्या वो uh, 20 ट्वेंटी uh, एम है ट्वेंटी एम को क्रॉस कर रहा है या फिफ्टी एमए को क्रॉस कर रहा है हंड्रेड डेमा को क्रॉस कर रहा है ये सब नहीं चेकआउट करना है ओके okay. आपको ये भी नहीं देखना है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या नहीं कर रही है कंपनी का प्रॉफिट कितना है कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ है क्यों क्योंकि इंडेक्स को ट्रैक करती है किसी भी इंडेक्स को में जो कंपनी है वो उसके परफॉर्मेंस को देख करके ही उसमें शामिल की हुई होती है इसलिए ये बेटर चॉइस हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए परफॉर्मेंस फोकस्ड यानी कि जब आ, किसी कंपनी का जो ईटीएफ है वो आ, उसकी परफॉर्मेंस कि कोई इंडेक्स बनाया जाता है जैसे अभी मैंने डिस्कस किया जब कोई इंडेक्स बनाया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके जैसे म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स करते हैं उनके नेट एसेट वैल्यू को इवेलुएट करते हैं उसी तरह ईटीएफ भी होता है अगर इनकेस अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो उसको इंडेक्स से निकाल देते हैं तो इस तरह से परफॉर्मेंस तरह से, उस तरह से वो में अपनी जगह बना पाएगी म्यूचुअल फंड uh, I mean, uh, में होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क तो एक बेटर फीचर है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का लो कॉस्ट क्योंकि अभी मैंने टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात की जिसके कॉस्ट बहुत ही कम हो ऐसी बेटर चॉइस हो सकते हैं सिंप्लिसिटी स्टॉक की तरह आ, ऐसा नहीं है कि आ, जो है कंपनी के बहुत सारे आपको फंडामेंटल्स और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी ईटीएफ अपने आप में एक सिंपल तरीका है आपको सिंपली क्या करना होता है आपको जिस तरह से आप स्टॉक को परचेज करते हैं बाय करते हैं सेल करते हैं ठीक उसी तरह ई को भी आपको बाय करना है सेल करना है जैसे निफ्टी बीस में बहुत सारी अच्छी लिक्विडिटी होती है ओके okay. इसमें ये झंझट नहीं होता कि कितने बायर, बायर्स अवेलेबल हैं कि नहीं सेलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं जिस तरह से निफ्टी फिफ्टी मूव करती है इंडेक्स मूव करता है उसी तरह निफ्टी बीस भी मूव करती है तो इसकी सिंप्लिसिटी होने की वजह से भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की ओके okay. डेरीवेटिव ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है फॉर एग्जाम्पल आपने अगर निफ्टी बीस लिया हुआ है निफ्टी बीस ईटीएफ ओके okay, अभी मैंने डिस्कस किया निफ्टी बीस एक ऐसा ईटीएफ है बाइंग एंड सेलिंग जिसमें लिक्विडिटी uh, मेंटेन रहती है तो आपको ये झंझट नहीं होता कि बायर है कि नहीं सेलर है कि नहीं तो हम uh, समझते हैं कि निफ्टी बीस में हमने इन्वेस्ट कर लिया है ओके okay, अब सडनली एक मार्केट uh, का करेक्शन होता है ओवरऑल मार्केट का करेक्शन हो जाता है जिसमें इंडेक्स भी डाउन होता है अब आप तो, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो निफ्टी बीस ऑलरेडी है अब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी मेरे जो मेरा जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपके पास एक चॉइस है आप क्या कर सकते हैं आप निफ्टी बीस में आपने अगर इन्वेस्ट किया है उसकी ईटीएफ्स लिए हैं तो आप अपनी पोजिशन को हेज कर सकते हैं ओके यानी कि अपना लॉस जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं अपनी अपने रिस्क को कम कर सकते हैं कैसे हमारे पास डेरिवेटिव का ऑप्शन है फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब शॉर्ट कर सकते हैं ओके यानी कि सेल कर सकते हैं यानी कि आप आपने अगर निफ्टी फ्यूचर्स में सेल क, सेल की पोजीशन ली है तो आप उस पर्टिकुलर जो वोलेटिलिटी है उसमें डेरिवेटिव्स का ऑप्शन यूज करके क्योंकि हमने निफ्टी 20 एक ही इंडेक्स की अलग-अलग कैटेगरी है इन अ सिंपल वे एक ही इंडेक्स की अलग अलग कैटेगरी है निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी ऑप्शंस एंड निफ्टी बीस बस अगर हमें निफ्टी फ्यूचर में हमें मार्जिन पैसों की ज्यादा जरूरत होती है निफ्टी ऑप्शन में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है और अगर हमें रिस्क भी नहीं लेना है तो निफ्टी बीस यानी कि ई एक अच्छी चॉइस हो सकती है ओके okay? सो so, ये है डेरीवेटिव डेरिवेटिव के थ्रू हम अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं ओके okay. सो so, आज के एपिसोड में हमने देखा हमने डिस्कस किया ईटीएफ क्या होती है पैरामीटर्स क्या है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के फिर हमने चेकआउट किया ऐसे कौन कौन सी कैटेगरी है ईटीएफ की जो अवेलेबल है ओके okay? फिर हमने देखा कि रीजंस क्या है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए ओके इनफ फॉर द डे आज के लिए इतना ही आगे आने वाले एपिसोड में हम फिनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट करेंगे वैसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आज कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आज खत्म हुए कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में तो हम म्यूचुअल फंड भी डिस्कस कर सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी भी डिस्कस कर कर सकते हैं क्योंकि हमारे डेरी डेरी फिनेंशियल एसेट इन्हांस हो रहे हैं ओके okay? लेकिन अब ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आज यहाँ पे एंड होते हैं आगे आने वाले एपिसोड में हम फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज इंडसेंस जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया अंडरराइटर हो गया ब्रोकर हो गया ओके okay. इन सबको हम चेकआउट करेंगे ओके okay. सो so, तब तक आप फिनरविज की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें एंड रिवाइज करते रहते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच